ये देखो दोनों कहाँ बैठे हैं। का कथा बनी, तकिया खा जाओगे क्या? हाँ, तकिया खाने का प्लान है? लग रहा है तुम उसको काट डालोगे। छोड़ दो उसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मेरे घर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब में मिलीबग का अटैक हो गया है। वैसे इसकी शुरुआत मेरे घर के बाहर एक हिबिस्कस के प्लांट से हुआ, जिसे मैंने पिछले महीने देखा था। उसमें वाइट कलर का मिलीबग था और ये धीरे धीरे करते हुए मेरे घर में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब में ये लग गए हैं। वैसे इनको चींटियाँ होस्ट करती हैं और वो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। और ये जो पेड़ होते हैं उनके अक्सर कलियों या फिर फ्लावर पे ही लगते हैं और वहाँ से सारे पोषक तत्व तो को ये चूस लेते हैं, जिससे जो भी पेड़ है धीरे धीरे मर जाते हैं। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गए हैं। वैसे मैंने इनके लिए केमिकल पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करने के लिए सोचा और उनको किया भी, लेकिन क्या हुआ कि उनसे मेरे कई पेड़ जल गए। तो इस बार मैं कुछ ये नीम की पत्तियाँ लेकर के आया हूँ और इनको मैं उबाल करके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाऊँगा। तो देखते हैं ये कैसा इसका रिजल्ट होता है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं और ये मैंने इसे उबाल करके ठंडा कर लिया है। इसका कलर जो है वो इस तरीके से ब्राउन कलर का हो गया है। वैसे मैं इन पत्तियों को फेंकूंगा नहीं, जो मैं कंपोस्ट बनाया हूँ काउडंग वाला उसमें मैं डाल दूंगा और इसे मैं छान करके ये इसमें ये डाल दूंगा। इसे मैंने लगभग 120 रुपये में ख़रीदा था और ये स्प्रे करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसको पंप करना पड़ता है और ये यहाँ से इसके जब मैं दबाता हूँ तो नोजल से फवारे के रूप में पानी निकलता है। तो ये मेरा रेडी हो गया है और उस नीम के पानी को छान करके मैंने इसमें भर लिया है और ये अब मेरा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा। वैसे इस समय दोपहर का टाइम है और इस समय इसे डालना काफ़ी रिस्की है, हो सकता है लीफ जल जाए, तो इसके लिए मुझे शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे ही शाम होती है मैं आपको छत पर चल करके दिखाता हूँ कि कैसे इससे स्प्रे होता है। पिछले साल मैंने पर्सलिन और पोर्चलिका दोनों मिक्स करके इस हैंगिंग बास्केट में लगाया था और ये पिछले साल भी बहुत अच्छा खिला था और ये इस साल भी ये खिलना स्टार्ट हो गया है। और इसमें ये देखिए येलो कलर की बटरफ्लाई आ गई है और ये पॉलिनेशन का काम कर रही हैं। तो फ्लावर जहाँ होंगे वहाँ पर बटरफ्लाई तो होंगी ही। तो इस समय शाम का समय हो गया है और मैं छत पर आ गया, तो आपको मैं अपने हिबिस्कस के प्लांट को दिखाता हूँ। ये रहा मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट, ये सेफ्रॉन कलर का हिबिस्कस है और आप देख रहे हैं इसकी सारी जो कलियाँ हैं या तो ये पीली हो गई हैं या तो ये पूरी तरीके से मुरझा गई हैं और ये प्लांट भी अब धीरे धीरे पीला हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिली बग हैं, ये यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। और इन्हें चींटियाँ ही लाती हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाती हैं, क्योंकि ये मिलीबग जो होते हैं प्लांट का यहाँ से रस निकालते हैं और चींटियाँ उनको खाती हैं। तो ये दोनों मिलजुल करके काम करती हैं, लेकिन इससे सारे प्लांट जो हैं मेरे वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। और इस तरीके से ये मेरे इनकी कई सारी कलियाँ ये चली गई हैं। ये गुलदाउदी के प्लांट हैं और आगे भी कई सारे मैंने हिबिस्कस के प्लांट, ये 1 2 3 मतलब ऐसे 5 6 प्लांट लगे हुए हैं, उन सब में लग गए हैं। और ये पर्सलिन और पोर्चलिका मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइट कलर का पोर्चलिका है और मेरे पास कई ढेर सारे ऐसे ही प्लांट हैं। ये पर्सलिन तो मैंने इनको पहले गमले में लगाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि ये मैं परेशान होकर के इसमें हिट मार दिया और हिट मारने से तो मिली वक्त तो मर गए, लेकिन साथ में ये पेड़ भी जहाँ पे मैं जिन एरियो में मारा वो इस तरीके से झुलस गए। तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें, इनमें भी देखिए अभी भी ये लगे हुए हैं, तो ये दोबारा वापस आ जा रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं जो इसका बनाया हूँ इसका स्प्रे करूँगा कुछ ऐसे। अब देखता हूँ शायद ये काम कर जाए। ये जो मैं नीम की पत्तियों को उबाल करके उसको मैंने पानी को इसमें भर लिया, तो ये स्पाइडरमाइट्स को मैं इसमें मारता हूँ, देखते हैं शायद कुछ फ़ायदा हो। ये उस समय तो वैसे पानी के प्रेशर से तो ये गिरी जाती हैं, लेकिन ये दोबारा ना आए तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इनको जा रहा हूँ, सब जितने भी प्लांट हैं सब में इसका स्प्रे कर देता हूँ। मैं कैमरे का स्टैंड नहीं लाया तो फिर भी बहुत थोड़ा प्रेशर इसमें चलता है, तो
इसको बार बार इस तरीके से पंप करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, अगर ये बचे रहें तो ये अब जो इसका स्प्रे है ये बहुत अच्छा है। तो मैं इस तरीके से सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके ये स्प्रे कर देता हूँ। तो ये बटरफ्लाई उड़ करके ये इधर दूसरे प्लांट्स के बीच में आ गई हैं। तो बटरफ्लाई इसी तरीके से उड़ करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती हैं, जिससे पेड़ों का परागण होता है और उनमें बीज बनते हैं जिनसे वो नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। इस समय दोपहर का टाइम है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये पर्दा भी देखिए काफ़ी उड़ रहा है, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। तो हुआ ये कि इस समय गर्मी की वजह से मेरे मनी प्लांट का पेड़ जो यहाँ पर रेलिंग पर लगा हुआ था ये पूरी तरीके से झुलसने लगा। तो मैंने और दीपिका ने मिल करके रात में उसे नई जगह पे शिफ्ट कर दिया। वॉल का कॉर्नर है और यहाँ पे ये दोपहर का इस समय 2 बजा है और ये फिर भी अभी यहाँ तक धूप नहीं आई। तो यहाँ पे ये बांस लगा हुआ था पहले से और ये कुछ बोरियाँ रखी हुई हैं, इसमें सैंड रखी हुई थी। तो ये एरिया थोड़ा काफ़ी गंदा लग रहा था, तो यहाँ पर कुछ उलट फेर करके मैंने इसे शिफ्ट कर दिया और इसे रिपोर्ट भी किया, मतलब इसकी मिट्टियों को निकाल करके उसमें खाद मिला करके दोबारा लगाया। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पत्तियाँ झुलसी हुई हैं और ये बर्ड के लिए मैंने बनाया, लेकिन ये हवा से हिल रहा है। तो वैसे इसे मैंने ख़रीदा हुआ है तो इस बर्ड हाउस को, तो इसे भी मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करूँगा या फिर इसे ऐसा फिक्स कर दूँगा ताकि ये हिले ना, क्योंकि इस तरह हिलेगा तो इसमें बर्ड तो आएंगे नहीं। और ये दूसरी तरफ भी मैंने बांस लगाया हुआ था तो इस पर अपराजिता का पेड़ चढ़ रहा है, अब ये छत पे पहुंचने वाला है। ये हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ आप देख रहे होंगे सारे हिल रहे हैं। और हैंगिंग बास्केट में मैंने ये हैंगिंग बास्केट में भी अभी इस समय तो ये डायंथस चल रहा है और यहाँ पर पर्सलिन और पोर्चलिका, क्योंकि पिटूनिया का टाइम ख़त्म हो गया था तो इनको मैंने लगा दिया है। अब ये धूप में ख़राब नहीं होंगे और ये बहुत अच्छा चलेंगे और लंबे समय तक। लग रहा है इसमें वाटर लॉग हो गया है तो इसको भी मैं इनके छेद को भी सही करूँगा। और साथ में ये तो इसमें भी मैंने दूसरे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि गर्मियों में तो वो पेड़ चले नहीं क्योंकि वो ठंडी वाले पेड़ थे। तो इसमें मैंने सदाबहार यानी कि विंका का पेड़ लगा दिया और मैं आपको बाकी पेड़ भी दिखाता हूँ। ये इसमें भी ये विंका का, तो विंका चूँकि फुल धूप को बर्दाश्त कर सकता है तो ये चलेगा। इसके पहले मैंने इसमें दूसरा फ्लावर का प्लांट था लेकिन गर्मियों में वो मर गया। तो इस तरीके से सारे पेड़ चल रहे हैं। वैसे मैंने पुराने वीडियो में कुछ सब्जियों के पेड़ लगाए हुए थे और कुछ उसमें फल जैसे पपीते के भी पेड़ थे, तो उन बीज का क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। वैसे ये आज तीसरा दिन है तो 3 दिन में वो शायद जर्मिनेट हो गए कि नहीं उसको देखते हैं। तो उन बीज को मैंने इन दो पॉट्स में लगाया हुआ था, तो इसमें से ये कुछ मुझे ये जर्मिनेट होकर के ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी तो कुछ खास नहीं, 2-3 पेड़ इसमें से, अब ऐसे ये यहाँ भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो ये जर्मिनेट होना चालू हो गया है। ये भी है तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। तो ये जर्मिनेट होना चालू हो गया है और ये इसमें भी, ये भी 1, 2, 3, 4, ये यहाँ, ये इस तरीके से अभी अलग अलग चीज़ों का मैंने लगाया हुआ था बीज। और ये शायद सेंटर पे लगा हुआ था, ये पपीता का पेड़ है तो उसमें से भी एक सक्सेस हो गया है। और वैसे अभी बहुत सारे निकलेंगे, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक तो मिनिमम वेट करना ही चाहिए। और चूँकि इसके नीचे होल है तो पानी इसमें रुकता नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें आराम से ढेर सारा पानी डाल देता हूँ, शाम को स्प्रिंकल कर देता हूँ, तो जिससे क्या होता है जर्मिनेशन इसका बहुत अच्छा होगा। जब ये पेड़ थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको अलग गमलों में शिफ्ट करूँगा। वैसे ये स्पाइडर प्लांट
कॉर्नर में मैंने लगाया हुआ था, तो अभी तो इसमें धूप नहीं आ रही है। 1-1.5 महीने का दिक्कत होता है, बाकी समय तो उतनी दिक्कत नहीं होती, और उसी समय ये सारे पेड़ों को थोड़ी सी धूप से दिक्कत होती है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि ये इतने एरिया में तो अभी छांव है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 महीने बाद, मई लास्ट के जून तक यहाँ तक धूप आ जाएगी, ये इस कॉर्नर तक यहाँ तक धूप आ जाएगी। और फिर उसके बाद 25 जून के बाद से धूप फिर से जो सूरज होता है वो एंगल अपना डाउन करना चालू करता है। मतलब कि ये रूल होता है कि 25 दिसंबर तक जो सन होता है वो घटता है एक्सिस से अपने, मतलब उसकी धूप कम होती जाती है, और 25 दिसंबर से फिर वो बढ़ना चालू हो जाता है और 25 जून तक चलता है। तो 25 जून सबसे लंबा दिन और 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो 25 जून के बाद से जो सन है वो वापस अपनी रोशनी धीरे धीरे कम करेगा और सेंटर से वो हटता जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि ये एरिया भी जो है फिर धूप धीरे 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 जाते हुए, और ठंडियों में तो धूप वहाँ तक आती है, इधर धूप नहीं आती। तो वैसे ग्रीन नेट मैंने इस साल भी नहीं लगाया, अब 1 महीने की बात है, मैं इसी में इनको क्लस्टर में रख के देखूँगा। तो क्लस्टर में अक्सर पिछले बार भी सर्वाइव कर गए थे, तो हो सकता है इस बार भी सर्वाइव कर जाए। बस ये है कि पानी आप गैप नहीं कर सकते। वैसे मनी प्लांट के साथ मैंने अपने ये जो कैना लिली का प्लांट है इसको भी शिफ्ट कर दिया। होता ये है कि वैसे ये तो कैना लिली और बहुत मनी प्लांट ये सब तो धूप के ही प्योर धूप वाले प्लांट हैं, लेकिन होता ये है कि जब ज़मीन में लगा रहता है तो ये इनकी सर्वाइविलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं काफ़ी डीप जाती हैं, तो इनका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन ये गमलों में ये फुल सन सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, ये फॉक्सटेल ये 1-1.5 साल का हो गया है फॉक्सटेल प्लांट, तो ये धूप में प्योर सर्वाइव कर जा रहा है, लेकिन ये भी अगर नया होता छोटा होता तो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो बहुत सारे फुल सन वाले होते हैं, जैसे पाम के पेड़ होते हैं, तो वो तो ग्राउंड में सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर आप उनको गमले में लगाते हैं तो ये मई जून की तो गर्मी, और ख़ासकर अप्रैल लास्ट से ही स्टार्ट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा गर्मी, अभी जैसे गर्मी है बहुत हवा चल रही है, तो इसी समय से ही ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेटर होगा कि आप उनको ग्रीन नेट में रखें या थोड़े से छांव में शिफ्ट कर दें, क्योंकि मेरा ये प्लांट ये फैन पाम का प्लांट है, और ये भी देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ थोड़ी येलो पड़ना चालू हो गई हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। इस समय ही 42 डिग्री के करीब हो गया है टेम्परेचर, और जब ये भी 45 या 48 तक जाएगा यहाँ का टेम्परेचर, तो बहुत दिक्कत होता है। वैसे पानी मैं इसमें हमेशा टाइम पर डालता हूँ। कैना लिली के साथ भी यही हुआ, इसके साथ ये एक बनाना का ट्री है और बाकी सारी कैना लिली है। इसे मैं ख़रीद के नहीं लाया हुआ था, रास्ते में एक तालाब के पास से उठा लाया था, तो एक प्लांट से ये इतने ढेर सारे हो गए, वो भी मुश्किल से अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो ये फूल निकला हुआ था, तो फूल सन में तो ये तो चल नहीं पा रहा था। अब ये है कि अब यहाँ पे मुश्किल से आधा घंटे का ही यहाँ पे धूप रहेगा, ये 1 घंटा मैक्सिमम, और बाकी टाइम ये एरिया छांव में रहेगा। चूँकि ये जो है ये मेरा साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ डायरेक्शन से ही धूप आती है, तो ये थोड़े से एरिया ये बचा रहता है छांव में, बाकी ये वेस्ट, और मतलब ये घर का जो मेरा फ्रंट है वो वेस्ट में ही है, और ये इधर नॉर्थ। तो होता ये है कि जो नॉर्थ साइडेड जो घर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि खासकर छांव वाले प्लांट्स, वरना सबसे बेस्ट है ईस्ट वाले, क्योंकि जैसे अगर फूल के प्लांट है तो 12 बजे तक उनको धूप लगेगी, फिर 12 के बाद फिर जो घर का है वो छांव आएगी, तो 12 के बाद धूप नहीं लगेगी उनमें। तो इससे क्या रहता है कि आधे टाइम धूप भी पा जाते हैं और वो कड़ाके की जो गर्मी रहती है उससे बच जाते हैं। वेस्ट साइड वाले जो घर होते हैं और ये साउथ वाले, इनमें सबसे अधिक सन लगती है, खासकर साउथ वालों में तो कुछ ज़्यादा ही, तो इनमें छांव वाला एरिया नहीं बनता। वेस्ट वाले में थोड़ा सा एरिया इस तरीके से छांव का बन सकता है, लेकिन नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जो घर बनाइए तो ये तो नॉर्थ रहे या तो ईस्ट रहे, और साउथ वाले को तो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। अब मैं नीचे आ गया और यहीं पर मेरे मीकू बनी भी हैं जो कि रेस्ट कर रहे हैं। ये इनका केज खोला तो ये थोड़े अलर्ट हो गए, वरना ये इस तरीके से ये यहाँ पे सोते रहते हैं। और बनी, ये हमारा बनी है, और पीछे ये मीकू, मीकू का फेस पीछे हो गया, ये दिखाते हैं।
तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।